माफ कीजिए, गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था। ये जो वचन मैंने आपके आगे पढ़ा है, पत्रस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और एक से लेकर के 25 आयत तक, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस अपने लोगों को ये कह करके बताता है कि तुम इस संसार में कैसी चाल चलो, किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाओ। और आज का जो हमारा विषय है मेरे प्रियो, वो तो यही है कि इस संसार में यात्रिक जीवन भय के साथ गुजारो। संसार में यात्रिक जीवन भय के साथ गुजारो। आइए हम इन आयतों के ऊपर मनन करेंगे जो 13वीं आयत में लिखा है, इस कारण अपनी अपनी कमर, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत होकर रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें को इस तरह से बांध लो। अपने आप को बुद्धि के साथ, होशियारी के साथ इस संसार में मुझे और आपको प्रतिदिन परमेश्वर के भय के साथ, जो हमारा यात्रिक जीवन है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जिस जीवन में हम चल रहे हैं, जो हमारी आयु है, जिस दिन से हमने माता के गर्भ से जन्म लिया और इस पृथ्वी पर हम बढ़ रहे हैं, पौलुस कहता है बुद्धिमानी के साथ अपने आप को होशियारी के साथ परमेश्वर के भय में अपने यात्रिक जीवन को आप तैयार करो, तैयार करो। यात्रिक जीवन को तैयार करना है बुद्धिमानी के साथ, और ना सिर्फ बुद्धिमानी के साथ परंतु परमेश्वर के खुदावन यीशु मसीह के भय में। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते से हम स्त्री होने के नाते हमारे बहुत सारे काम रहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको उठाना, उनको तैयार करना, स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, हस्बैंड को यदि जॉब पर जाना है टिफ़िन लेकर जाना, झाड़ू लगाना, बर्तन करना, ये करना, वो करना, बहुत सारे काम होते हैं। परंतु परमेश्वर का दास कहता है कि अपने आप को बुद्धिमानी के साथ और परमेश्वर के भय में अपना यात्रिक जीवन शुरू करो। हमारा यात्रिक जीवन प्रतिदिन, प्रति भोर जब हम उठते हैं बिस्तर से, हमारा यात्रा का जीवन शुरू हो जाता है। अब देखना यह है कि हम उस यात्रा के जीवन में किस तरह से सुबह से लेकर के और रात तक हम अपने कार्य में क्या परमेश्वर के डर और भय में, उसके नियंत्रण में, उसकी आज्ञा का पालन करके उसके अनुसार क्या हम प्रत्येक काम को कर रहे हैं, क्या हम अपने समय में से प्रभु यीशु मसीह के लिए समय निकाल रहे हैं, क्या हमारे मुख से जो बातें निकल रही हैं उससे किसी की आत्मा की उन्नति हो रही है, हमारी आत्मा की उन्नति हो रही है, क्या हम किसी के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य करने से, हमारे हाथों के कार्य करने से प्रभु को महिमा मिल रही है, क्या हम अपने जीवन के हरेक कार्यों से प्रभु परमेश्वर के डर और भय में रहकर उसको महिमा दे रहे हैं। जैसे हम एक स्थान से जाने के लिए दूसरे स्थान पर बस का, ट्रेन का, एरोप्लेन का, बाइक का, साइकिल का, तरह तरह के वाहनों का प्रयोग करते हैं हमारे डिस्टेंस के अनुसार। जितना दूर हमको जाना है
और जिस तरह से हमको जाना है उस तरह से हम अपने लिए वाहन चुनकर और उस यात्रा को हम शुरू करते हैं। और हम में से हर एक अपनी यात्रा को जब शुरू करता है तो बहुत ही होशियारी के साथ अपने व्हीकल को, अपने वाहन को, यदि हम खुद ड्राइव करते हैं तो हम बहुत होशियारी से और नजरें आगे लगा करके हम ये ध्यान देते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए, कहीं कोई जानवर सामने ना आ जाए, क्या हम रॉन्ग साइड तो नहीं चल रहे हैं, क्या हम बराबर अपने हाथ पे चल रहे हैं, वगैरह वगैरह हम तमाम बातों को सोचते हुए अपने सफर में आगे बढ़ते जाते हैं। और जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तब हम अपने प्लेटफॉर्म पर उतरकर बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। मसीही जीवन भी मेरे प्रियो कुछ इसी तरह है। जिस दिन से हमने जन्म लिया, जिस दिन से हमने माता के गर्भ से इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वहां से हमारी मसीही यात्रा शुरू हो जाती है। पौलुस कहता है कि बुद्धिमानी से अपनी कमर कस लो, बुद्धिमानी के साथ अपनी कमर कस लो कि तुम्हारे प्रतिदिन का जीवन, तुम्हारे प्रतिदिन के कार्य, तुम्हारी प्रतिदिन की सेवा क्या परमेश्वर के डर और भय में है। जब किसी आप ऐसे बच्चे को या ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका कि दिमाग थोड़ा बुद्धि से कमजोर होता है, और वो बच्चा जिसको कि हम ऐसा देखते हैं कि वो बुद्धि से थोड़ा कमजोर है, और उसी के साथ यदि हम एक अच्छे बुद्धिमान और होशियार बच्चे को, उसी के एज के बच्चे को यदि हम बैठा दें और दोनों बच्चों को हम एक सा काम करने के लिए दें, तो मेरे प्रियो आप दोनों बच्चों में एक कमी देखेंगे। और वो क्या कमी देखेंगे आप? बुद्धि की कमी। क्योंकि जो बुद्धिमान बच्चा है उसका दिमाग विकसित हो चुका है और वो अपनी एज के साथ अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करके अपने कार्य को पूरा कर रहा है और बखूबी निभा रहा है। लेकिन जो उसके सामने ऑपोजिट में एक बच्चा है जिसका विकास उसके शरीर के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार उसके दिमाग का विकास नहीं हुआ है, वो बच्चा अपने काम में कमजोर रहता है, पीछे रह जाता है, वो बच्चा अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि की कमी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, पौलुस कहता है कि बुद्धि से अपनी कमर कस लो। याद रखो कि जब आप सुबह बिस्तर से उठ गए हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के द्वारा परमेश्वर को की महिमा हो रही है। कौन से ऐसे आपके जीवन में कार्य हैं जिन कार्यों के द्वारा आप परमेश्वर को नहीं परंतु अपने आप को, अपने प्रियों को और अपने लोगों को खुश कर रहे हैं। ये मेरी और आपकी आत्मिक जर्नी है, यात्रा है। हमको मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमको मसीही यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हर रोज पौलुस कहता है, रात को जब हम सो जाते हैं, रात मेरे और आपके अधिकार में दी है परमेश्वर ने, सो जाओ, आराम करो, रिलैक्स हो जाओ, थके हुए शरीरों को आराम दो, परंतु भोर परमेश्वर के अधिकार में। सुबह की पहली किरण तक जब हम नहीं सोते हैं वहां तक हम क्या परमेश्वर के डर और भय में अपनी यात्रा में चल रहे हैं? क्या हम बुद्धिमानी के साथ कार्य कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जी रहे हैं? इसी खातिर पूरी आशा रखो मेरे प्रियो, कहता है सचेत रहकर। सचेत मतलब जब कोई व्यक्ति कोई कार्य, ऐसा कठिन कार्य करता है तो उसको हम कहते हैं कि सचेत रहकर इस कार्य को करना, बहुत ध्यान से इस कार्य को करना, अपने कार्य में पूरा अपना पढ़ाई करना। बेटा यदि हम बच्चों को बोलते हैं तो बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने कार्य को करना,
अपना पूरा मन, अपनी पूरी बुद्धि, अपना ज्ञान अपने पढ़ाई में लगाना। जब कोई छोटा बच्चा साइकिल सीखता है और जब हम उसको बोलते हैं कि लो बेटा आप आसनों में तमाम ऐसे पत्थर जो कि हमारे जीवन में मुश्किलें लेकर आते हैं, जो कि हमको पाप में गिरने के लिए मजबूर कर देते हैं, प्रभु कहता है सचेत रहकर बुद्धिमानी से अपने जीवन में आगे बढ़ो। एक एक कदम को डर के प्रभु के साथ, प्रभु के भय में तुम आगे बढ़ो। पहला हमने देखा, कहता है पौलुस कि बुद्धिमान से अपने कमर कसो, और दूसरा कहता है सचेत रहकर जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलेगा। ये मसीही जीवन, ये मसीही यात्रा मेरी और आपकी यात्रा बुद्धिमानी के साथ हम जब अपने अपने जीवन को गुजारेंगे तब मेरे प्रियो कहता है प्रकट होगा, जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा मुझे और आपको ले जाने के लिए, उस गिफ्ट को देने के लिए जिस गिफ्ट के लिए मैं मसीह के साथ रहूं। मेरा और आपका वो इनाम है, और उस इनाम को पाने के लिए पौलुस कहता है बुद्धिमानी से अपने कमर को कस लो और सचेत होकर के इस जीवन में, इस संसार में, अपनी यात्रा में, इस संसारिक यात्रा में, इस यात्रा में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके डर और भय में चले। अपनी आंखें निरंतर उस निशाने की ओर लगाओ, वो इनाम पाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा उस समय वो मुझे सौ तो मेर। अभी इस दुनिया से परमेश्वर के नाम से हमारी यात्रा में सौ तो बहुत कम हो गया, 60 और 70 और 80 बस इतने ही साल मुझे और आपको यात्रा करनी है कि यात्रा में क्या मैं और आप अपने के साथ बराबर यात्रा कर रहे हैं, बुद्धिमानी के साथ चल रहे हैं, क्या मैं और आप परमेश्वर के डर और भय में चल रहे हैं, क्या मुझसे और आपसे जो भूलें हो गई हैं, जो कमियां हैं हमारे अंदर, हम आप प्रभु को कहते हैं ओ प्रभु यीशु आज अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप दिया है। अब जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा यीशु मसीह, तब वो हमें वो इनाम को देगा। और 14वीं आयत में लिखा है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता मिट जाएगा। सब आमने सामने देखे, सब कुछ दर्पण में अभी जो धुंधला सा दिखाई देता है उस समय क्लियर दिखाई देगा मेरे प्रियो। वो समय होगा परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने का समय, और उस समय के लिए पौलुस कहता है बुद्धिमानी कस लो, सचेत हो जाओ और आज्ञाकारी बालकों के समान अज्ञानता की उन सारी पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो जिनमें तुमने अभी तक अपने जीवन को बिताया है। प्रेज द लॉर्ड, वो मुझे और आप अपने गले से लगाकर अनंत काल का जीवन आज ही से मेरे और आपके नाम कर देगा। यदि हम बुद्धि से कमर कसके उसके सामने सलेंडर करते हैं, आपको याद होगा नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, ने क्या उस मुर्दे को जो 4 दिन से कब्र में रखा था लाजर उसको नहीं जिलाया? तो फिर तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा पुरानी अभिलाषाओं में पड़ा हुआ जी, वो पुरानी अभिलाषाओं के सदृश रहा। उसने प्रभु यीशु मसीह को वहां पर भी नहीं पहचाना, परंतु मेरे प्रियो बाइबल बताती है ठीक उसके दूसरी ओर जो दूसरा डाकू चढ़ा हुआ था क्रूस पर, उसने उसको डांटते हुए कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? अरे तू और मैं तो अपने किए हुए का ठीक ठीक बदला पा रहे हैं, हमने तो कितने गुनाह किए हैं, कितनी चोरियां की हैं, कितने लोगों को लूटा है, कितनी बार व्यभिचार में पड़े हैं, हमने बहुत गिनोने काम किए हैं। मेरे प्रियो यही बुद्धिमानी थी कि उसने अपने आप की बुद्धि की कमर को कस के अपने
क्रूस पर भी उसने अपने आप को जान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये मुझे उस अनंत काल के जीवन में ले जाएगा। इसी खातिर उसने कहा कि हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। कितना बुद्धिमान वो चोर था कि उसने अपनी बुद्धि का अंतिम समय में प्रयोग कर लिया, और कितना मूर्ख वो चोर डाकू था जो कि पुरानी अभिलाषाओं में पड़ा था। मेरे प्रियो, मुझे और आपको आज अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि क्या हम पुरानी अभिलाषाओं में तो नहीं, क्या हम उनके सदृश तो नहीं, अभी तक भी क्या हम उन्हीं बातों में तो नहीं पड़े हुए हैं। यदि ऐसा है तो मुझे और आपको आज सचेत होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है सचेत रहकर सचेत हो जाओ और उस अनुग्रह की आशा रखो, वो अनुग्रह जो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ने किया है। क्या अनुग्रह किया है? अपने पुत्र को इस संसार में मुझे और आपको लेने के लिए भेजेगा और स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अनुग्रह परमेश्वर। और मेरे प्रियो, 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। वो मेरे और आपके जीवन को जैसा तैसा उठा करके नहीं ले जाएगा। यदि हम सोचे कि हमने 50 साल तक अपनी मनमानी जीवन जी लिया है, अब 51वां साल लग गया है, चलो अब हम प्रभु के सामने माफी मांगना चालू करते हैं और हम बोले कि प्रभु तू मुझे स्वीकार कर, प्रभु तू मुझे अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करा, प्रभु तू मुझे अपने योग्य बना। मेरा प्रभु कहेगा कि पहले तू सचेत हो, बुद्धिमानी से अपनी कमर कस, पुरानी अभिलाषाओं को छोड़कर उनके सदृश ना बनकर अपने आप को पवित्र कर जैसा मैं पवित्र। वो मेरे और आपके जीवन को कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ना सिर्फ एक चाल में, ना सिर्फ बोलने में, ना सिर्फ कार्य करने में, ना सिर्फ देखने में, ना सिर्फ सोचने में, ना सिर्फ लोगों की सेवा करने में, ना सिर्फ पढ़ाई करने में, परंतु परमेश्वर का दास पौलुस कहता है सारे चाल चलन में, हर एक बातों में पवित्र बनो, हर एक बातों में सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा मैं चाहता हूँ तुम भी पवित्र बनो, बुद्धिमान बनो, संसार के सदृश ना बनो, अपने आप को मेरे योग्य बनाने के लिए सारी पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ करके पवित्रता का जीवन जी। 16वीं आयत में लिखा, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। फिर से कहता है मैं पवित्र हूं तो मेरे योग्य बनने के लिए मेरे जैसे, मेरे साथ रहने के लिए मेरे जैसे। हम भी अपने बच्चों को कई बार कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करना, जैसे पापा हैं, जैसे पापा बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, पापा ने अपनी कितनी अच्छे से पढ़ाई करी है, पापा कितनी अच्छी जॉब करते हैं, ऐसा ही पापा के जैसे बन। आज स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पापा मुझे और आपको भी कहता है कि मैं जैसा पवित्र हूं तुम वैसे पवित्र हो। मेरा और आपका स्वर्गीय पिता कहता है कि मेरे जैसे पवित्र हो अपनी हर एक बातों में। कोई देखे तो इस पवित्रता से देखे कि जैसे मानो प्रभु यीशु से। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड छोड़ करके अपने जीवन को पवित्र करो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन 17वीं आयत में कहता, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है। मैं और आप और इस संसार का हरेक व्यक्ति हम उससे प्रार्थना करते हैं,
हम उससे दुआ करते हैं, हे पिता हे पिता। पौलुस कहता तुम उससे हे पिता कहकर प्रार्थना तो करते हो, पर क्या तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चाल चलन हर एक बातों में पवित्र है? हे पिता कहकर तुम प्रार्थना तो करते हो, परंतु वो हे पिता कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रिय, वो मेरा पिता किसी का पक्षपात नहीं करता, इसीलिए वो कहता है तुम पवित्र बनो, तुम्हारा चाल चलन पवित्र हो, तुम पक्षपात रहित हो, तुम्हारा देखना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा कार्य करना, तुम्हारा लोगों के साथ संगति करना, तुम्हारा परिवार में रहना, तुम्हारी हर एक बातों में, सारे चाल चलन में जैसा प्रभु यीशु पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो, तब तुम मेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब तुम उसी नाम को पाओगे जो हमने आगे पढ़ा, तेरहवीं आयत में लिखा है कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस कर बांध कर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय मिलने वाली है। मसीह यीशु जब इस संसार में प्रकट होगा, वो कौन सा हमको इनाम, वो कौन सी हमको गिफ्ट देगा? वो पवित्रता के जीवनों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा, बादलों पर ले जाएगा। और वो कह के गया है जब इस संसार से गया कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ मेरे पिता के साथ, मेरे पिता के सिंहासन के पास, मैं चाहता हूँ तुम भी वहाँ मेरे साथ रहो, तुम भी मेरे साथ। ऐसा पवित्र चाल चलन हर एक बातों में, सारी बातों में तुम्हारा चाल चलन जैसा मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बनो, कहता है प्रभुस। परदेसी होने का समय, मेरा और आपका ये परदेसी समय, हम परदेश में है। हमारा वतन तो स्वर्गीय वतन है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये मेरा और आपका एक बहुत बड़ा विश्वास है मेरे लिए। और पौलुस बड़ी ही स्पष्टता से अपने वचन में लिखता है, तो मैं भय से बिताओ, किसके भय से? संसार के भय से नहीं, बच्चों को माता पिता के भय से नहीं, माता पिता को अपने बड़ों के बुजुर्गों के भय से नहीं, पति को पत्नी के भय से, पत्नी को पति के भय से नहीं, परंतु प्रथम प्रभु यीशु पड़ता, परंतु क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं पूरे भय में चल रही हूं? मुझे डर है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं किस तरह से बोल रही हूं, मैं किस तरह से देख रही हूं। मेरा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, मेरा स्वर्गीय पिता परदेसी का समय मुझे और आपको भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ गुजारना। अठारहवीं आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादों से चला आता है। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक में यदि हम पढ़ेंगे, तो जब इसराइली मिस्र की गुलामी में से छूट कर निकले और जंगल में उनका चरवाहा, उनका निगेबान मूसा और हारून उनको लेकर के चले, बार बार समय समय पर मंडली के लोगों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, बार बार विश्वासघात किया, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए, अपने लिए मूर्तियां बनाई, सोने और चांदी की मूर्तियां बनाकर उनकी उपासना करने लगे, उस जीवित परमेश्वर को भूल गए जिसने चट्टान में से पानी निकालकर उनको पिलाया। हालेलुया, ये हमारे बाप दादों का चाल चलन, और वो ही चाल चलन मेरे और आपके जीवन
में मेरे प्रियो, आज भी हम तमाम पापों में, ऐसे व्यभिचारों में, ऐसे गंदे कामों में, ऐसी बातों में जो मूर्ति पूजा और जो हर एक पाप के बराबर है, हम उन कार्यों को, अपने बाप दादों के कार्यों को आज तक दोहराते चले आ रहे हैं, जबकि परमेश्वर की शरीयत मेरे और आपके साथ, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके साथ है, और ये साथ सिर्फ घर में सजा के रखने के लिए है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता होगा कि हमारा जीवन कितना घिनौना है, हमारा जीवन कितना गंदा है। जब हम प्रभु से रोज प्रतिदिन बात करेंगे, जब हम उसके डर और भय में चलेंगे, बुद्धिमानी से उससे कहेंगे, ओ प्रभु मैं पढ़ने तो बैठी हूँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ज्ञान दे, पौलुस ने ऐसा क्यों लिखा है पत्रस की पहली पत्री में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। प्रभु मुझे नहीं समझ में आता ये क्या लिखा है। तब परमेश्वर उसका आत्मा मुझसे और आपसे, जब हम उससे बात करेंगे तब वो हमसे बातें करेगा, तब वो हमको बताएगा, मेरी बेटी मेरे बेटे तुमने क्या नहीं पढ़ा पुराने नियम में इस तरह से लिखा है। जब मूसा सीने पर्वत पर वो 10 आज्ञाओं को लेने गया, मेरे लोगों ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा मूसा देख नीचे तेरे लोग क्या कर रहे हैं, देख मूसा वो बछड़े को बनाकर उसके सामने उसकी प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, तेरे लोग बिगड़ गए मूसा, तू जा अपने लोगों को संभाल। मेरे और आपके जीवन में भी मेरे प्रिय, समय समय पर हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने कार्यों से, अपने वातावरण से, अपनी बोली से, अपने निकम्मे स्वभाव से उसको हम ठुकरा देते हैं, उसको हम धोखा देते हैं, उसको हम अनदेखा करते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। पत्रस कहता है, अपनी पत्री में लिखता है, आज तक वो पाप तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम कैसे छुटकारा पाओगे, क्या चांदी सोना चढ़ा करके। मेरे प्रियो नहीं, प्रभु को आपका मेरा सोना और चांदी नहीं चाहिए, प्रभु को मेरे और आपके चढ़ाए हुए फूल और नारियल नहीं चाहिए, प्रभु को मेरे और आपके चढ़ाए हुए अगरबत्ती और मोमबत्ती नहीं चाहिए, ये सब कुछ तो नाशवान है मेरे प्रियो, नाशवान। परमेश्वर ने जब देखा मेरे लोग अनाज्ञाकारिता में जीवन बिता रहे हैं, मेरे लोग अविश्वासिता में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपने मेरे और आपके छुटकारे के लिए एक निष्कलंक मेमने को इस पृथ्वी पर भेजने के लिए योजना बना ली। मेरे उसी समय परमेश्वर पिता ने सोच लिया कि जानवरों के लहू से, किसी प्रकार के लहू से ये छुटकारा नहीं पा सकते, एक निष्कलंक मेमना जो कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पूर्वजों के पापों के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा, ताकि हमारे खातिर, हमारे पापों की खातिर, वो पाप जो दुनिया में पहला पाप हुआ था, वो मर्डर जो दुनिया में पहला मर्डर हुआ था, हाबिल का मर्डर, उस पाप के गुनाह की सजा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष गुनेगार टिक नहीं सकते, उसको तो पवित्रता पसंद है, पवित्रता पसंद। इसी खातिर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस गुनाह के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए कैलवरी क्रूस पर चढ़ गया, जो निष्कलंक था, निर्दोष था। और 19वीं आयत में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक ने परमेश्वर पिता से कहा, तू क्षमा कर दे केन को, मैं अपने लहू को तेरे सामने चढ़ा देता हूँ, क्योंकि तुझे तो जानवरों के लहू से नहीं, तुझे तो निष्कलंक मेमने के लहू की जरूरत है। और वो निष्कलंक मेमना परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह।
व्यभिचार में पड़ गए लूत अपनी बेटियों के साथ व्यभिचार कर रहा है। ओ मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर के समक्ष इस गुनाह की माफी कैसे मिल सकती थी? तभी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु देने के लिए तैयार हूं। मैं इनके माफी मांगने इनके लिए मैं माफी मांगता हूं, तो इनको क्षमा कर दे बाप। मैं अपने निर्दोष लहू को तेरे सामने अर्पण करता हूं। सोने चांदी रुपए से मेरा और आपका छुटकारा नहीं, लहू को अपने जीवन में रिसीव करना है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे कहता है कि तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने सारे चाल चलन को पवित्र करो। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। भय के साथ इस मसीही जीवन में जियो कि कोई मुझे नहीं देख रहा, पर अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। यस मेरे प्रिय, मेरा और आपका विश्वास पवित्र आत्मा को मैं और आप महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर रिसीव करते हैं। कैसे रिसीव करते हैं? अब पवित्र जीवन बिताकर, उसके ऊपर विश्वास करके। उस परमेश्वर पर विश्वास हम कब करेंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये मानेंगे, जब हम अपनी अंतरात्मा से इस बात को स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे खातिर अपने माथे पर कांटों के मुकुट को लगाया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे खातिर अपने हाथों में कीले लगवाई, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे खातिर मेरे छुटकारे के लिए अपने पैरों में कीले ठुकवाई, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए मुझे स्वर्गीय राज्य का वारिस बनाने के लिए अपनी पसली में भाले को खाया। मेरे प्रिय, उस पसली से जब भाला लगता है, जो लहू बहता है, उस लहू में, उस निर्दोष लहू में, उस पवित्र लहू में, उस निष्कलंक लहू में मेरा और आपका छुटकारा है। मेरे प्रिय, जब हम उस लहू को विश्वास के साथ रिसीव करते, तब मेरा और आपका छुटकारा है। परमेश्वर का वचन कहता है, और यही जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते कि वो मेरे खातिर मरा, वो मेरे खातिर जी उठा, और वो मेरे खातिर स्वर्ग में जगह तैयार करने का। जिसने प्रभु पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया उसने अपने लिए स्वर्ग में उस स्थान को फिक्स करा कि मैं अपने परमेश्वर के साथ एक दिन स्वर्ग दूतों के साथ हालेलुया होशन्ना की स्तुति और आराधना। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता मुझे और आपको बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, ज्ञान के साथ और पूरी पवित्रता के साथ प्रत्येक के साथ, जब हम पूरी पवित्रता के साथ, जिसके साथ हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ पवित्रता का जीवन जिएंगे, तब ही मैं और आप परमेश्वर साथ पवित्रता का, जिनके साथ हम रहते हुए विश्वासघात कर रहे हैं, जिनको हम देखते हुए धोखा दे रहे हैं, तो मैं और आपसे बढ़कर इस संसार में कोई झूठा नहीं कि हम प्रभु के साथ सच्चे। जब हम जिनके साथ रहते हुए और आप अपने परमेश्वर के साथ चीटिंग नहीं करते, मुझे और आपको परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। पवित्रता का जीवन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के साथ बिताने के लिए परमेश्वर पिता के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे और अपने
महिमामय आगमन के लिए मुझे और आपको तैयार करे, प्रभु आशीष दे। आइए हम अंत में छोटी प्रार्थना करेंगे और अपने आज के इस सेशन को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। आपने आज के इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बातचीत की, के भय और आपके आज्ञाकारिता में बिताए, ताकि जब आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो तो हम उसे नाम को प्राप्त करें। प्रभु आपने आज इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, आपका धन्यवाद हो। आज की आशीष के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। जितने लोग आज हरेक को आप बरकत और आशीष दें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगती सुनो ग्रहण करूंगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको और मुझे, मेरे परिवार को आशीष दे, और इसी तरह आप मेरे चाय से प्रतिदिन उसके साथ चलकर आपके समक्ष भी वचन को इसी तरह ला सकूं और पवित्रता का जीवन बिता करके परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य की वारिस हो सकूं, ना सिर्फ मैं परंतु हम में से हर एक जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाया, हम में से हर एक उस पवित्र सिंहासन के सामने उसके नाम की हालेलुया होशन्ना के नारे लगाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।